हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, गुड इवनिंग, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम एब्रीवेशन कवर करेंगे, कंप्लीट एब्रीवेशन है। सबसे पहले आपको स्लाइड रिप्रेजेंट कर देते हैं। अल्फ़ाबेट वाइज पूरा एब्रीवेशन कंप्लीट किया गया है, ए बी सी से लेके पूरा जेड तक एब्रीवेशन। एब्रीवेशन से आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन डाटा एंट्री ऑपरेटर में आएंगे, ठीक है। तो ये सभी एब्रीवेशन कंप्लीट किया गया है। आपको 7 PDF फ्री में दिए जाएंगे, जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनको 7 PDF फ्री में दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको 7 PDF व्हाट्सएप ग्रुप में रीसेंड कर दिए जाएंगे, बार बार जब तक लोग जुड़ते जाएंगे रीसेंड कर दिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं केवल ये ऑफर उन्हीं के लिए है। फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी अभी मैंने बेल्ट्रॉन के 50-50 क्वेश्चन के 2 सेट अपलोड किए हैं, जो कि बेल्ट्रॉन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से रिकॉर्डिंग है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो इस वीडियो में केवल मैं इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन कवर करूँगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले है AAC यानी कि एडवांस ऑडियो कोडिंग, ठीक है। उसके बाद ABR, ये इंपॉर्टेंट है, एरिया बॉर्डर रूटर, एरिया बॉर्डर राउटर, ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन की बात करते हैं तो ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इंपॉर्टेंट है, AMR ऑडियो मॉडम राइजर ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एलॉग एग्लोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। API इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, API स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एंड ASCII ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस डबल स्टार लगा लीजिएगा, ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, वेरी इंपॉर्टेंट। ASP एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर, ASP स्टैंड फॉर एप्लीकेशन सर्वर प्रोवाइडर, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका ATM, ATM यानी कि एस्क्रोनस ट्रांसफर मोड, एस्क्रोनस ट्रांसफर मोड, ATM स्टैंड फॉर एस्क्रोनस ट्रांसफर मोड। बी में आ जाते हैं, तो बी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहला वाला ही है, बेसिक यानी कि बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। सेकंड भी इंपॉर्टेंट है, बाइनरी कोडेड डेसिमल, ठीक है। थर्ड फिर BGP यानी कि बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, और BN फॉर बाइनरी। नेक्स्ट है BINSC का एब्रीवेशन क्या होगा, बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। BIOS वेरी इंपॉर्टेंट, BIOS को डबल स्टार लगा लीजिएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, BIOS स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है BLOG यानी कि वेब लॉग, BMP यानी कि बेसिक मल्टीलिंगुअल प्लेन, बेसिक मल्टीलिंगुअल प्लेन। एंड BPS स्टैंड फॉर बिट पर सेकंड, ये भी इंपॉर्टेंट है, BPS स्टैंड फॉर बिट पर सेकंड। नेक्स्ट आ जाते हैं CAD, CAD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, CAE इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, CAI कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन, CAT कंप्यूटर एडेड ट्रांसलेशन, और एक पूछता है इसी में CAM कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। CAD होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और CAM होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। CD होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CDR CD रिकॉर्डेबल, एंड CD ROM ये वेरी इंपॉर्टेंट कर दीजिए, CD ROM बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। CD ROM का एब्रीवेशन होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। और CG होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGA भी इंपॉर्टेंट है, कलर ग्राफिक्स एरे, CGA स्टैंड फॉर कलर ग्राफिक्स एरे, एंड CGI स्टैंड फॉर कॉमन गेटवे इंटरफेस। इसमें से आपके एक भी एब्रीवेशन बाहर नहीं जाएंगे, सारे एब्रीवेशन इसी में से आएंगे, ठीक है। कोबोल इंपॉर्टेंट है, CPU इंपॉर्टेंट है, CRT इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबोल स्टैंड फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, CRT स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट एब्रीवेशन है DBA यानी कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन, और DBMS वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिएगा DBMS को, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है आपका DHTML यानी कि डायनेमिक HTML, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट है DOS इंपॉर्टेंट है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DOS स्टैंड फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड DSN स्टैंड फॉर डाटा बेस सोर्स नेम। DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा DVR यानी कि डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, DVR बोले तो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर,
यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है EBCDIC, यानी कि एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। EEPROM यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, SSL यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है EPDIC, EEPROM, ROM, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट INAC, INAC भी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीजर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल FTP, FTP स्टैंड फॉर फाइल फर्स्ट इन। ठीक है, नेक्स्ट GB यानी कि गीगाबाइट, GDI ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस एंड GIF ग्राफिकल इंटरफेस फॉर्मेट, GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, GIGO इंपॉर्टेंट है। ठीक है, GUI बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GIGO गार्बेज इन गार्बेज आउट, GDI ग्राफिकल डिवाइस इंटरफेस और गीगाबाइट, ये चार इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है जी, H पे आ जाते हैं, H में HAL हार्डवेयर एब्स्ट्रक्शन लेयर। ठीक है, HD DVD हाई डेफिनेशन DVD, उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट है HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, HTML, HTTP हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं IBM, IBM इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपका IMAP इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, IO इनपुट आउटपुट इंटरनेट प्रोटोकॉल, IPC इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ठीक है, IRC इंटरनेट रिले चैट और ISC इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट स्टोरम सेंटर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ISP, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ISP को तो डबल स्टार लगा लीजिएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आ जाते हैं J के ऊपर, तो J स्टैंड फॉर, J में आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपोर्ट ग्रुप। JS होता है JavaScript एंड ओके, बाकी सब ओके हैं। K आ जाते हैं, K में सबसे इंपॉर्टेंट है किलोबाइट, किलोहर्ट्ज़, LAN बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क, और एक और पूछते हैं MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और एक पूछा जाता है WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ये सब एब्रीवेशन आप बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक है, फिर पूछा जाता है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं कवर कर दे रहा हूँ। ठीक है, MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट DOS हो गया, और नेक्स्ट आ जाएगा आपका NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, बस। ठीक है, O में आ जाते हैं, O से OMR बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, डबल स्टार OCR OMR, ये दो इंपॉर्टेंट है, OCR होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, OMR होता है ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, OCR होता है ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, OMR होता है ऑप्टिकल मार्कअप रीडर, OS होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, OSS होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। P में आ जाते हैं, P में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है P2P यानी कि पीयर टू पीयर, PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा PIC इंपॉर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म होता है पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर, PIC स्टैंड फॉर पेरीफेरल इंटरफेस कंट्रोलर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं PPI इंपॉर्टेंट है, PPP इंपॉर्टेंट है, PPI होता है पिक्सल पर इंच, PPI होता है पिक्सल पर इंच, PPP होता है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ठीक है, PSU होता है पावर सप्लाई यूनिट, PSU स्टैंड फॉर पावर सप्लाई यूनिट, एंड QoS यानी कि क्वालिटी ऑफ सर्विस, QoS होता है क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन है ROM, ROM होता है रीड ओनली मेमोरी, RAM होता है रैंडम एसेस मेमोरी। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट है, और RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है, RTOS रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं S पे आ जाते हैं, तो S में इंपॉर्टेंट है SDRAM यानी कि सिक्रोनस डायनेमिक रैंडम एसेस मेमोरी, डबल स्टार लगा लीजिएगा, SM BIOS सिस्टम मैनेजमेंट, BIOS इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट है SMPT, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, SPI, सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस, और एक और इंपॉर्टेंट है SQL, स्ट्रक्चरल क्वेरी लॉन्गवेज, SQL यानी कि स्ट्रक्चरल क्वेरी लॉन्गवेज। नेक्स्ट है TCP, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं UPI, यू में जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है URL, UPS, ठीक है, और URI एंड USB। तो URL स्टैंड फॉर, वेट, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और इसमें है UPS यानी कि अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, URI हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफिकर, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, एंड USB यूनिवर्सल सीरियल बस, ये जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी में आ जाते हैं, वी में आपका जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है VDA यानी कि विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, और VGA वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज, ओके, W पे आ जाते हैं, W में WAN सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वाइड एरिया नेटवर्क, वेब वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, Wi-Fi वायरलेस फिडिलिटी, WiMAX वर्ल्ड वाइड इंटरप्टी ऑफ माइक्रोवेव एसेस, एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज WLAN वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। WOM इंपॉर्टेंट है, वेक ऑन मॉडम, वेब Wi-Fi प्रोटेक्शन एसेस, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। WWW वर्ल्ड वाइड वेब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वर्ल्ड वाइड आइडेंटिफायर इंपॉर्टेंट है, एंड WWAN वायरलेस एयर वाइड एरिया नेटवर्क। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन थे वो मैंने कवर कर दिए हैं, ठीक है। और X में आ जाते हैं, X में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है XML क्या आता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XML क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, XHTML क्या होता है, एक्सटेंजिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। XML क्या होता है, एक्सटेंजिबल एप्लीकेशन मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। और XUL क्या होता है, XUL यानी कि XML यूज़र इंटरफेस लैंग्वेज, ठीक है। Y2K ईयर 2000 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। Z में इंपॉर्टेंट क्या है, ZIFS जीरो इंस्ट्रक्शन फोर्थ सॉकेट, एंड ZMA यानी कि जोन मल्टीकास्ट एड्रेस। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू अ वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डाटा एंट्री ऑपरेटर एग्जामिनेशन।